ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलाय कुंडरी काक्षाय मंगलो तनो हरि नारद चले विष्णु के धामा एड़ी तक पहने पैजामा हरिओम 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 जय गंगा मैया की जय ककोड़ा मैया की जय 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 जय। अरे मुझे गंगा स्नान में जाना है, अभी मेरा नौकर दुखिया नहीं दिख रहा है। अरे दुखिया, अरे ओ दुखिया, कहाँ चला गया नालायक दुखिया? ओ दुखिया, आ गए मालिक, आ गए मालिक। अंजी मालिक कहाँ गया था? मालिक गंगा मैया में स्नान करने गए थे मालिक। वेरी गुड, आज शुभ दिन है, तूने गंगा मैया का स्नान किया, बहुत ही अच्छा दिन है। लेकिन ये बताओ, बच्चों अच्छों को ले गया था? मालिक बच्चों को भी ले गया था, अपनी लुगाई को भी, मतलब अपनी बहू को भी ले गया था। और मालिक गंगा मैया में किनारे पे स्नान कराया, जहाँ पे प्रशासन के लोगों ने आदेश दिया था वहीं पे स्नान करा दिया मालिक। बहुत सही, देख दुखिया, जो भी प्रशासन निर्धारित करे उसी आधार पे चलना चाहिए, उनके कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, समझ गया ना? हाँ मालिक। अच्छा सुन, हाँ मालिक, ऐसा कर, मेरा हुक्का लिया, क्योंकि माँ गंगे का स्नान करने मुझे और तेरी मालकिन को दोनों को जाना है ना। हाँ मालिक। अच्छा सुन एक बात बता, हाँ मालिक, तू अपनी बिटिया को पढ़ा रहा है कि नहीं? अरे मालिक बेटिया को क्या पढ़ाए, अरे बेटी तो दूसरे की घर की होती है, 14-15 साल की हो जाए उठा के उसकी शादी कर दो, अपनी ससुराल में जाए, चौका बर्तन करे, कंडा और कपड़े धोए। मालिक क्यों मार दिया? देख दुखिया, बेटी की शादी की सही उम्र है 21 साल, जब बेटी 21 साल की हो जाए तभी उसकी शादी करो, और उसको पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, अगर बेटी शिक्षित नहीं होगी तो ससुराल वाले उसका उत्पीड़न भी कर सकते हैं, इसलिए अपनी बेटी को शिक्षित जरूर करो, और गरीब हो तो सरकारी स्कूल में नाम लिखाओ। आज हमारी भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश के हर जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोल रखे हैं, जिसमें 8वें के बाद ऊपर की शिक्षा देने का काम वही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय करते हैं, जिनमें रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, आवासीय व्यवस्था, यहाँ तक वजीफा भी बेटियों को मिलता है, समझ गया ना? अरे मालिक। और देख, बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों को शिक्षित करना चाहिए, दोनों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं बेटी बेटा एक समान, शिक्षा का है सबको अधिकार, सबको शिक्षित बनाओ, सबको आगे बढ़ाओ। आज हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी एक बेटी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया वो भी एक बेटी हैं, इसलिए बेटियों को आगे बढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण बढ़ाओ, महिलाओं को आगे से आगे दर्जा दो, उन्हें आगे से आगे बढ़ने का मौका दो, समझ गया ना? समझ गए ना मालिक, गलती हो गई मालिक, आज के बाद गलती नहीं करेंगे, अपनी बिटिया को भी पढ़ाएंगे और अपने बेटों को भी पढ़ाएंगे, और मालिक जब 21 साल की उम्र हो जाएगी उसके बाद ही अपनी बिटिया की शादी तय करेंगे। हाँ देख, अगर नाबालिग उम्र में शादी करते हो बेटी की, तो अगर पुलिस को या प्रशासन को पता चल गया तो लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों जेल भी जा सकते हैं, और जो दोनों को जुर्माना भी हो सकता है। अरे मालिक कैसी बात कर रहे हैं मालिक, आज के बाद हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, और बिटिया की शादी 21 साल पे ही करेंगे, ये क्या बात हुई।